जोबट साई सेवा समिति द्वारा विशाल साई भंडारा एवं महोत्सव जोबट नगर के साई मंदिर परिसर में साई बाबा के 28वें स्थापना महोत्सव को लेकर 5 दिवसीय श्री साई कथा का आयोजन हो रहा है, जहां पर तीसरे दिन रंगारंग प्रस्तुतियां दी गई। मंदिर के 28वें स्थापना महोत्सव को लेकर विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। 5 दिवसीय श्री साई कथा महोत्सव के अंतर्गत यहाँ पर कथा आयोजित हो रही है, जहाँ पर व्यासपीठ पर विराजमान श्री साई कथावाचक श्री साई राम गोपाल पुणे के द्वारा कथा का वाचन किया जा रहा है और साई कथा के साथ अन्य प्रसंगों के माध्यम से यहाँ पर रंगारंग प्रस्तुति दी जा रही है, जो विभिन्न प्रकार की प्रस्तुति और स्थाई परिवार के साथ ही भगवान शिव जी की प्रस्तुति और अन्य प्रकार की प्रस्तुति भी यहाँ पर साई कथा के दौरान नाटकीय रूप से टीवी कलाकारों द्वारा प्रस्तुत की गई। साई की जीवन लीला को चल चरित्र के माध्यम से रंगारंग मंच पर कलाकारों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी और कथावाचक ने भी उनके प्रसंग के माध्यम से साई बाबा की महिमा बताई। मौके पर बड़ी संख्या में महिला एवं पुरुष श्रद्धालु यहां पहुंचकर धर्म का लाभ ले रहे हैं। देर रात तक कार्यक्रम जारी रहा। वहीं सोबट साई सेवा समिति द्वारा आज सुबह 8 बजे पंच कुंडी गायत्री यज्ञ का भी आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। 30 मई को विशाल शोभा यात्रा बाबा का नगर भ्रमण ढोल घोल पालकी बग्गी डीजे नृत्य कलाकारों के साथ दोपहर 12 बजे महाआरती एवं छप्पन भोग के साथ विशाल साई भंडारा भी होगा। खबर भारतवर्ष के लिए अलीराजपुर जोबट से वासुदेव वाणी की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।